नमस्कार, मैं क्षितिजा देशमुख, आप देख रहे हो बीसीएन न्यूज। आप सभी को बीसीएन न्यूज के पूरी टीम की ओर से 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश आज अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर देश में विभिन्न जगहों पर ध्वजारोहण किया गया। उसी श्रृंखला में शहर में स्वतंत्रता दिवस पूरे ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है, जहां विभागीय आयुक्त कार्यालय में राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं नागपुर जिले के पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा ध्वजारोहण कर जनता को 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी गई। आज मैं सभी भारतवासियों को भारत के स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारा भारत ऐसा ही विकसित होता रहे, हमारा लोकतंत्र इसी प्रकार से मजबूत होता रहे और हमारा तिरंगा पूरी दुनिया में फहराता रहे, इस प्रकार से मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं। हमने जो लाडली बहना योजना शुरू की थी, उसमें पहली किश्त हम लोगों ने कल से देना शुरू कर दिया है और रक्षाबंधन तक सभी बहनों के खातों में ये पैसा पहुंचेगा और एक प्रकार से हम रक्षाबंधन हमारी बहनों के साथ यहां पर संपन्न करेंगे। तो वही जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन इटनकर ने ध्वजारोहण कर झंडे को सलामी देकर नागपुर जिले की जनता को 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी है। इसके साथ ही पुलिस आयुक्त कार्यालय में पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंगल द्वारा झंडारोहण कर नागरिकों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी गई। Thank you.
नागपुर महानगर पालिका में मनपा आयुक्त डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने ध्वजारोहण किया, जिसके बाद राष्ट्रगीत गाया गया और झंडे को सलामी दी गई। इस दौरान चौधरी ने जनता को शुभेच्छा संदेश देकर नागपुर को और प्रगत बनाने की बात कही। सर्वप्रथम मी सगळ्यांना भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो। आपल्या असंख्य अशा स्वातंत्र्य सैनिकांच्या बलिदानामुळे, त्यागामुळे आजचा दिवस आपण साजरा करू शकत आहोत। या मंगल दिनी मी अशा सर्व आपले स्वातंत्र्य सैनिक आहे त्यांना विनम्र अभिवादन करतो। देशाच्या सीमेवर असणारे आपले सैनिक आणि देशांतर्गत ज्या सुरक्षेशी निगडीत असणारे आपले जे पोलीस दल असेल, सीएपीएफ असेल, यांच्या जवानांनी आपल्या देशाच्या सुरक्षेसाठी जे बलिदान दिलं आणि त्याच्यातनं आपण आपलं स्वातंत्र्य हे अबाधित राखलेलं आहे, त्यांच्या स्मृतीसुद्धा मी विनम्र अभिवादन करतो। स्वातंत्र्यानंतर भारत देशाने सर्व क्षेत्रात म्हणजे आर्थिक, सामाजिक, सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी अशा प्रत्येक क्षेत्रामध्ये झपाट्याने आपण प्रगती केलेली आहे। आज भारत देश हा जगातला 5व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे। 5 ट्रिलियन इकॉनॉमीकडे आपण झपाट्याने वाटचाल करत आहोत आणि 2047 म्हणजे आपल्या स्वातंत्र्य दिनाच्या 100व्या वर्षी आपण एक विकसित भारत, एक विकसित देश म्हणून उदयास व्हावं, याच्यासाठी आपल्या देशाची एक खंबीर अशी वाटचाल जी आहे ती सुरू आहे। हर साल की तरह इस साल भी डीआरएम ऑफिस में 78वां स्वतंत्र दिवस बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान रेल अधिकारी द्वारा ध्वजारोहण कर झंडे को सलामी दी गई, साथ ही डॉग शो एवं विविध खेलों का प्रदर्शन किया गया। डिवीजन मध्य रेल का आयोजक है और कुल लोडिंग का लगभग 60% नागपुर डिवीजन द्वारा अकेले साझा किया जाता है। अब तक आरंभिक लोडिंग लगभग 16 मेट्रिक टन है तथा डिवीजन ने अब तक 2,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। हमारा इंटरचेंज 237 गाड़ियों का हो रहा है और हमारी लाइन कैपेसिटी लगभग 140% पे यूज की जा रही है। लगभग प्रतिदिन 15 ट्रैक ट्रेनें चलाई जाती हैं, जो कि पिछले वर्ष प्रतिदिन सिर्फ 9 ट्रेन चलाई जाती थी। लाइन का रखरखाव में सुधार करते हुए 23.54 किलोमीटर के TRR कार्य तथा 87 टर्नाव के बीच स्क्रीनिंग हुई है। इसके अलावा 29 TWS डाले गए। मैकेनिकल विभाग ने 23-24 में कुल 60,000 वैगनों को अनलोड करने योग्य बताया। इसमें से 58,200 वैगनों को अटेंड किया, जिसके परिणाम स्वरूप 386 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि से बचा जा सका। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में तीसरी लाइन का कार्य प्रगति पर है। इस वर्ष ईगांव, कर्मेश्वर, खापरी, अजनी तथा गंगाट नागरी सेक्शन में तीसरी लाइन खोली गई। हमारा मंडल लोडिंग मंडल कहलाता है और इसके बावजूद हमने बहुत सारे स्टेशनों की TI का कार्य हाथ में किया और इन 6 माह में हमने गंगाट, एन्नौर, टापू की TI पूर्ण की तथा भामंगा और मालखेड़ में महकूल यार्ड मॉडिफिकेशन किया है। माल ढुलाई में गति प्राप्त करने हेतु लोडिंग की दृष्टि से महत्वपूर्ण सेक्शन टिपरी उमरेड की गति 50 से बढ़ाकर 75 किलोमीटर की गई है। यात्रियों को स्टेशन पर विचरण करते समय प्लेटफॉर्म के बीच में लगे खंभों के कारण काफ़ी कठिनाइयों का सामना कर पाता है। हमने इसे एक मिशन के रूप में लेकर 70 स्टेशनों पर करीब 475 बेकार अनावश्यक खंभों को निकाल दिया। राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया था। इस अवसर पर प्रति कुलपति डॉक्टर दुधे ने मार्गदर्शन करते हुए कहा, भारत को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करनी होगी।
साथ ही हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वन विभाग कार्यालय में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा ध्वजारोहण कर राष्ट्रगीत से सलामी दी गई। 78वां स्वतंत्रता दिन का मुख्य कार्यक्रम हिंगणघाट शहर के तहसील कार्यालय परिसर में संपन्न हुआ। उप विभागीय अधिकारी वंदना सवरंगपति इनके हाथों ध्वज फहराया गया। इस वक्त गणमान्य शासकीय अधिकारी विधायक समीर कुनावार इस वक्त उपस्थित थे। स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूरे देश में लोग देशभक्ति के रंग में सराबोर है। इस बीच आजादी के जश्न को लेकर नागपुर में प्रशासकीय कार्यालय शहर के फ्लाईओवर साथ ही गोसेखुर्द डैम पर भी तिरंगी रोशनी की गई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़, अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज नागपुर। आज के खबरों में वक्त चला यही रुकने का। आप देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।